हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज हम सभी लोग एक नए पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपने हर पैराग्राफ ट्रांसलेशन वाले वीडियो में ट्रांसलेशन की बारीकियों को आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और अपनी ट्रांसलेशन की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज की स्टोरी का हमारा पहला वाक्य है, महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। अब देखिए, वाक्य में किसी के यहाँ किसी के होने की बात कही जा रही है। हमारा माइंड तुरंत हैज, हैव, हैड की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था शब्द है तो सिर्फ हैड बचता है जो यहाँ पे लग सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ एक नौकर था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम कहेंगे MAHARAJA महाराजा और RANJEET रणजीत SINGH सिंह, और हम कहेंगे हैड क्या एक नौकर था, ASERVANT सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है खुशहाल सिंह नामक, जब पद और नाम दोनों दिया गया हो तब हम कहते हैं NAMED नेम्ड, KHUSHAL खुशहाल, SINGH सिंह, और हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। महाराजा रणजीत सिंह हैड ए सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह। वह महाराज का अंग रक्षक था। अब देखिए, वह था अंग रक्षक। अंग रक्षक को हम लोग लिखते हैं बॉडी गार्ड। फिर है महाराज का के लिए हम लोग आफ का प्रयोग करेंगे और महाराज शब्द के लिए हम लोग लिखेंगे द किंग। तो हम लोग इसको सब्जेक्ट और वर्ब से प्रारंभ करते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ही वाज, क्या था वो, बॉडीगार्ड था, तो हम कहेंगे ए बॉडी गार्ड, किसका, महाराज का, ऑफ द KING किंग और लगा देंगे फुल स्टॉप। वह महाराज का अंगरक्षक था, ही वाज ए बॉडी गार्ड ऑफ द किंग। वह जाति का ब्राह्मण था। अब यहां पर भी वह था क्या, जाति का ब्राह्मण, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ही वाज ए बी आर ए एच एम ए एन मतलब ब्राह्मण, ही वाज ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण था। जाति का, जाति से पहले प्रीपोजिशन लगता है बाई, तो हम लिखेंगे बाई CASTE कास्ट। वह जाति का ब्राह्मण था, ही वाज ए ब्राह्मण बाई कास्ट। उसने सबसे पहले 5 रुपए मासिक पर नौकरी की। उसने सबसे पहले, जब वाक्य में सबसे पहले शब्द आया हो तो हम या तो इसके लिए लिख सकते हैं एट फर्स्ट, या हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम यहां पर लिख देते हैं FIRST फर्स्ट ऑफ ऑल और कॉमा लगा देते हैं, यानी सबसे पहले। उसने नौकरी की, ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है। नौकरी करने को हम जॉब या सर्विस कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसने नौकरी की, क्योंकि नौकरी की ये पास्ट टेंस को दिखाता है, तो हम लिखेंगे ही डिड ए जॉब। अब आगे कह रहा है 5 रुपए मासिक, यानी
₹5 प्रति महीने के हिसाब से। अब क्योंकि रुपए हैं, इसके लिए हम प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर, फिर लिखेंगे 5 RUPEES रुपीस, और मासिक मतलब प्रत्येक महीने यानी पर MONTH मंथ, और फुल स्टॉप लगा देंगे। सबसे पहले उसने ₹5 मासिक पर नौकरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिड ए जॉब फॉर ₹5 पर मंथ। धीरे धीरे उसने उन्नति की और महाराज के महल में अंग रक्षक के रूप में काम करने लगा। यहाँ पे दो वाक्य हैं, पहला वाक्य धीरे धीरे उसने उन्नति की, और दूसरा वाक्य है महाराज के महल में अंग रक्षक के रूप में काम करने लगा। और क्योंकि बीच में कंजक्शन लगा है और, तो ये वाक्य हमारा हो गया कंपाउंड। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, धीरे धीरे उसने उन्नति की। धीरे धीरे उन्नति की मतलब उसने एक स्टीडी प्रोग्रेस की अपनी लाइफ में। तो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे, ही MADE मेड STEADY प्रोग्रेस। ही मेड ए स्टीडी प्रोग्रेस, उसने लगातार उन्नति की, धीरे धीरे उन्नति की। और इसके लिए हम लिखेंगे एंड, महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। जब लगा शब्द हो तो हम लोग अपने वाक्य में स्टार्टेड का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे एंड STARTED स्टार्टेड टू वर्क महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में। तो हम कहेंगे अंगरक्षक के रूप में पहले एज ए बॉडीगार्ड, महाराज के महल में इन द पैलेस ऑफ द किंग, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ही मेड ए स्टीडी प्रोग्रेस एंड स्टार्टेड टू वर्क, और कार्य करना प्रारंभ कर दिया एज ए बॉडीगार्ड, एक अंगरक्षक के रूप में इन द पैलेस, महल में ऑफ द किंग, महाराज के। एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए। एक दिन, इसके लिए हम लोग हमेशा की तरह लिख दें वन डे। आगे आते हैं, महाराज यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया द किंग। नगर की हालत देखने के लिए यह उद्देश्य है, हम इसको कॉम्प्लीमेंट में डालेंगे। महल से बाहर आए, ये हमारी वर्ब है, हम कहेंगे केम आए, आउट बाहर, ऑफ द PALACE पैलेस यानी महल के। अब उद्देश्य जोड़ देते हैं, नगर की हालत देखने के लिए टू सी द CONDITION कंडीशन ऑफ द सिटी। हालत देखने का मतलब होता है नगर को देखना, यानी हम यहां पर यह भी लिख सकते थे कि टू विजिट द सिटी। तो हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, हमने बनाया वन डे द किंग केम आउट ऑफ द पैलेस, एक दिन महाराज महल के बाहर आए, टू सी द कंडीशन ऑफ द सिटी, शहर की दशा को देखने के लिए। रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। रात बहुत बीत जाने का मतलब ये हुआ कि देर रात में। हमारा मुख्य वाक्य है कि वे वापस लौटे। अब वे शब्द का मतलब कि वो एक ही थे, यानी हम इसको वह समझेंगे, और हम लिखेंगे ही वापस लौटे, RETURNED returned, वो वापस लौटे। और देर रात में हम कहेंगे LATE late
एट नाइट। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही रिटर्न्ड लेट एट नाइट। उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। उस समय, इसके लिए हम लोग लिखेंगे एट दैट टाइम। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। खुशहाल सिंह पहरे पर था। पहरे पर होने का मतलब हुआ कि वो अपना कार्य कर रहा था, अपनी ड्यूटी पर था। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे KHUSHAL खुशहाल, SING सिंह। एट दैट टाइम खुशहाल सिंह वाज ऑन DUTY ड्यूटी, और फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऑन ड्यूटी मतलब कि वो अपने कार्य को कर रहा था, यानी वो पहरे पर था। वह अपने मालिक को ना पहचान सका। वह ना पहचान सका, यहाँ पर सका शब्द अंत में है, और क्योंकि ये बड़े आ पर समाप्त हो रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, यानी हम कैन की सेकेंड फॉर्म कुड का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे वह यानी ही कुड CULD कुड नॉट रिकॉग्नाइज, माने होता है पहचानना, तो RECOGNIZ रिकॉग्नाइज। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, वो नहीं पहचान सका किसे, अपने मालिक को। अपने यानी हम लिखेंगे हिज, मालिक के लिए MASTER मास्टर, और फुल स्टॉप लगा देंगे। वह अपने मालिक को ना पहचान सका। He could not recognize his master। अतः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। अब यहां पर उसने उन्हें जाने नहीं दिया, मतलब जाने की अनुमति नहीं दी, तो हम अतः के लिए लिखेंगे so। He उसने did not allow, मतलब होता है अनुमति देना, तो हम लिखेंगे allow him, इसलिए उसने उन्हें अनुमति नहीं दी। काहे की, to go, जाने की, कहा महल में, into the palace, फुल स्टॉप लगा देंगे। so he did not allow him to go into the palace, उसने उन्हें महल में जाने की अनुमति नहीं दी, यानी नहीं जाने दिया। दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना तो बहुत घबराया। दूसरे दिन के लिए हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन। जब उसने महाराज को पहचाना, जब यानी वाक्य में जब शब्द आए तो हम लिखेंगे when। उसने महाराज को पहचाना, ही उसने पहचाना, recognized यानी पहचाना, किसे, महाराज को, the king। जब उसने महाराज को पहचाना तो बहुत घबराया, यानी बहुत डर गया, तो हम यहाँ पर तो के लिए कामा लगा दें, और ही वह बिकेम हो गया वेरी माने बहुत अफ्रेड AFRAID अफ्रेड, यानी तब वो बहुत भयभीत हो गया, यानी डर गया। किंतु महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी। किंतु हम प्रारंभ करेंगे बट से। महाराज ने, यही सब्जेक्ट है हमारा, हम इनके लिए लिखेंगे द किंग। क्या किया, एक बड़ी जागीर दी इनाम में, तो क्योंकि दिया है उन्होंने कुछ, तो हम पास्ट टेंस में गिव की सेकेंड फॉर्म गेव लिख देते हैं,
बट द किंग गेव किसे उसे दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं हिम। क्या दिया उसे? एक बड़ी जागीर यानी ए बिग स्टेट, हम यही लिखेंगे ए बिग estate, स्टेट। कैसे? इनाम में, तो उसके लिए हम लिखेंगे एज ए आर ई डब्ल्यू ए आर डी रिवार्ड और फुल स्टॉप लगा देंगे। बट द किंग गेव हिम, लेकिन राजा ने दिया उसे ए बिग स्टेट एक बड़ी जागीर एज ए रिवार्ड एक पुरस्कार के तौर पर। हम लोगों का पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। हम लोग जब भी किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करें, हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसमें हिंदी के जो भी शब्द आए हुए हैं उनके लिए इंग्लिश के किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसको विशेष रूप से समझ लें और याद कर लें, और किसी वाक्य को किस तरह से ट्रांसलेट करना है, ये एक एक वाक्य को जब हम ट्रांसलेट कर रहे हों तब सीखते रहें, हमारे लिए चीजें सरल हो जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर रहेगा। आगे हम लोग इस तरह की और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।